नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं खबरी बात। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भावी मुखिया प्रत्याशी के बारे में जो मुखिया नहीं रहते हुए भी विगत कई वर्षों से समाज के कार्य में दिलो जान से पंचायत की लोगों को सेवा दे रहे हैं। इस बार परैया प्रखंड अंतर्गत मंगरावा पंचायत से चुनाव लड़ने वाले श्री जितेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यह सीट काफी हॉट हो गया है। हमारे संवाददाता चंदन भारती ने पंचायत यात्रा के दौरान उन पर एक स्टोरी तैयार की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में मुखिया का चुनाव होने वाला है। परैया पंचायत के अंतर्गत आने वाला मंगरावा पंचायत से एक बार फिर से भावी प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं श्री जितेंद्र सिंह। उनका जनता में एक ऐसा समर्थन देखा जा रहा है, चुनाव नॉमिनेशन से पहले भावी उम्मीदवार के लिए अपार समर्थन हर जगह उनके पंचायत में मिल रहा है। आइए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं चंदन भारती के साथ जितेंद्र सिंह, भावी प्रत्याशी मंगरावा पंचायत से। जितना बाकी है सारी पूरा करेंगे और जितना भी कोई अभी दौरा किया प्लेन होगा एक गांव में भी कोई नहीं होगा कि बना सब बना है। मतलब हर समय ये मतलब काम कर रहे हैं, और जैसे लड़की का शादी है तो उसको में पहुँच जाकर मदद कर रहे हैं, इसी तरह की दिक्कत हो रहा है तो उसको भी हर तरह से मदद कर रहे हैं। जितेंद्र वाल को मुझसे बना रहा है लेकिन अभी दूसरे हम लोग नए मूड में है, मतलब पूरा गाँव की ओर से कस्तुआ की ओर, हाँ कस्तुआ ओर से पूरा सपोर्ट है। हम अभी आए हुए हैं परैया प्रखंड के अंतर्गत में गाँव पंचायत मंगरावा। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। हम निकले हुए हैं ग्रामीण पंचायत यात्रा पर। ग्रामीण पंचायत यात्रा के दौरान जब हम इस पंचायत में एक बहुत ही कड़ी टक्कर जो पिछले बार भी दे चुके थे श्री जितेंद्र सिंह जी, इस बार फिर से इनके आने के बाद हॉट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बैनर और तैयारी पूरी हो चुकी है। इनकी संघर्ष से पहचान हमारी, विकास हमारा नारा है मंगरावा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के लिए। योग कर्मठ किसी को उम्मीदवार कर ये अपना बैनर तैयार कर चुके हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि इस बार बहुत हॉट सीट होने वाला है मंगरावा पंचायत का। मंगरावा पंचायत जो कि परैया प्रखंड के अंतर्गत में आता है, कुछ लोग हैं इस गाँव से जो पूर्णिया से किस तरह से देखते हैं इस चुनावी माहौल को, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होता है तो चुनाव का चौपाल पर लोग बैठना लाजमी है और बिहार की राजनीति और राजनीति की शुरुआत बिहार से ही होती है। इसमें जब चुनाव होगा तो आपने पंचायत का कैसा देख रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, जो कि बहुत ही जोरों शोर से इनके आने के बाद यह सीट बहुत हॉट हो गया, आपका क्या सोचते हैं आप इसके लेकर? हम लोग तो इनको समर्थन है और पूरे पंचायत इनके तरफ से समर्थन है। समर्थन इस बार, हाँ अगर इस बार मैंने दिक्कत नहीं है, मतलब इस बार मूड आप लोग बना चुके हैं कि इस बार इनको निकाल देना, जिता देना पंचायत और अगल बगल गांव में चुनाव की मैदान में अगर फिर से खड़ा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? सही लगता है और इस साल इनको बजा हुए हैं, सपोर्ट मिल रहा है आप लोग की ओर? सपोर्ट है पूरा गांव की ओर से, कस्तुआ की ओर? हाँ कस्तुआ ओर से पूरा सपोर्ट है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम ऋषि ठाकुर है। ऋषि ठाकुर हैं जो कि कस्तुआ के रहने वाले हैं, पंचायत इनका मंगरावा हुआ। ये कहते हैं एक बार फिर से ऐसा माहौल में जितेंद्र सिंह को हम लोग जिताएंगे, कस्तुआ का पूरा सपोर्ट रहेगा, ऐसा इनका मानना है, लेकिन जीत हार तो समय बताएगा। आप देख रहे हैं हम लोग निकले हुए पंचायत यात्रा पर। पंचायत यात्रा के अध्यक्ष में परैया प्रखंड के अंतर्गत में यह पंचायत के मंगरावा जो पिछले वक्त भी खड़ा हुए थे चुनावी मैदान में श्री जितेंद्र सिंह, जो कि इस बार भी चुनावी मैदान में आने से यह पंचायत या जो मंगरावा पंचायत है वह पंचायत बहुत हॉट सीट हो चुका है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो इस बार जो लड़ाई होगी पंचायत चुनाव में बहुत ही कड़ा टक्कर होने वाला है। जब जनता के बीच में गए जनता ने भी बहुत ही मतोत्साह वर्धन किया है जितेंद्र सिंह को। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए गेट बनवाया और साथ साथ मंदिर का भी काम किया, और कई ऐसे लोग हैं जो कि नेता नहीं रहते हुए, हम लोग के मुखिया नहीं रहते हुए समाज सेवा का काम हमेशा 5 सालों से नहीं बल्कि विगत कई सालों से करते आ रहे हैं। पिछले वक्त कुछ वोटों के अंतर से ये चुनाव आ चुके थे, लेकिन इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। जैसा कि जनता ने कहा कि हमारे जन जन की सेवा में हमेशा रहते हैं। मैं जनता से भी बात करूंगा। जितेंद्र सिंह जी आपका स्वागत है हमारे चैनल द खबरी बाबू में। हम सभी लोग पंचायत यात्रा पर निकले हुए हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनावी मैदान में क्यों हॉट आपका मंगरावा सीट हो रहा है आपके आने से? मंगरावा पंचायत में बहुत सेवा किए हैं और सेवा करेंगे भी, और उससे पहले 5 साल पहले से ही लगे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण हर एक गाँव में क्या घर जाकर चल रहा है लॉकडाउन में, और
सेवा कर रहे हैं, हरेक को गरीब की बात कर रहे हैं, घर है, बीमारी है, शादी है, विवाह है, सब बंधु शरीर से बहुत है। मुझे मालूम चला कि कोई एक व्यक्ति पीड़ित हो गया था जो हॉस्पिटल में चला गया था, जिसको 71,000 निजी मनी से आपने उनको हॉस्पिटल से छुड़ाया है। हाँ, वो गरीब लड़का था, जिला गाँव का है, वहाँ से मानी लड़का है, तो भर्ती हुआ गया, उनका नाम कॉल किया है, वो डॉक्टर बोला कि जो बच्चा मुश्किल है, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो बोला जितना पैसा था उसको मैं तीनों बच्चे दिए पाटिला। एक सवाल है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, चुनाव तो एक गांव पर होता नहीं है, पंचायत में बहुत सारे गांव होती है, और उसके बदलाव से आप महादलित बोली और दलित बोली का आपकी कैसी पकड़ है, कैसा आपको देखने को लग रहा है, वहाँ से कैसा आपको समर्थन मिलने वाला है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समर्थन है, जब जितना दलित होगा बहुत मन से लगे हुए। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, देखिए चुनाव तो होता है और चुनाव में कोई ना कोई मुखिया बनता ही है, नल जल योजना ये तो हर गाँव में भी हो रहा है, साथ साथ राशन कार्ड जो बहुत दिनों से मुखिया को मिलता है बांटने के लिए वो भी होता है, सारी योजनाएं जो विगत 15-20 साल से हो रहा है, लेकिन आप अगर मुखिया बनिएगा तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पंचायत में ऐसा विकास हो जो सचमुच धरातल पर उतरे? हमने अगर मुखिया चुनाव जीते हरे गांव में गली गली जितना बाकी है सारी पूरा करेंगे, और जितना भी कोई अभी दौरा किया पूरे गाँव का, एक गाँव में अभी कोई नहीं बना, कुछ बना सब दौरा। हाँ, एक सवाल हमको भी लगा, आपके गांव में हमारे जैसे कुछ देर पहले हम भ्रमण कर रहे थे पूर्णिया का ही, पूर्णिया का एक टोला है जहाँ पर देखिए भूत का मकान अभी भी है, यानी उसको 30 मकान ऐसा है जो भूत का है और उसके ऊपर वो प्लास्टिक रखे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? हम लोग 2021 में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि 2020 तक हर घर को मकान मिलेगा, हर व्यक्ति को मकान मिलने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपके पंचायत में अगर कॉलोनी नहीं मिला, इसके पीछे क्या करना होगा? पंचायत के लोग मुख्य गलत हुए, इसलिए कोई विकास काम नहीं हुआ, जो कॉलोनी मिला नहीं सब बुरा रहा है, अब भैया नहीं हुआ तो करेंट खा बढ़ा गया, कुछ दवा खा रह गया, उसका भी पैसा फसल हो गया, कुछ पैसा बकाया रहेगा नहीं मिला, इसलिए कमीशन के चलते लोग कमीशन में क्या पता मुझे बहुत कमीशन लिया, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ रुका, अब उसको उसको पूरा करें और जनता भी तो सेवा करें बोल रहे। एक सवाल और होता है कि नौवीं चरण में चुनाव होने वाला, आपके पास समय भी बहुत काफी है जनता के बीच में जाने के लिए, और इस बार सुनने में आ रहा है कि ज्यादा आप सभा को संबोधित नहीं कर सकते, सभा को संबोधित करें तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा, तो आप किस तरह से चुनावी माहौल को बनाएंगे अपने पक्ष में या चुनाव जनता के बीच में जाएंगे, कैसे जाने वाले हैं? सभा नहीं करेंगे, एक का घर जाकर मिलेंगे, सिंगल पक्ष लगे, एक दो लोगों साथ रहेंगे, हर एक घर जाकर मुलाकात करेंगे। ये देश जितेंद्र सिंह जी जो कि बहुत ही उत्साहित हैं और साथ साथ इनके कार्यकर्ता में भी उत्साहित देखने को मिल रहा है, इनका साफ करना है कि अगर सभा की अनुमति मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम जनता डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे, जनता से मिलेंगे और अपने पक्ष में वोट मांगेंगे, और इनका कहना है कि जब हम बनेंगे तो कॉलोनी पर ध्यान देंगे जो कि हमारे पंचायत में नन्हे के बराबर है, जो कि किसी को बेहतरीन तरीके से घर नहीं मिला है, अगर ये मुखिया में आते हैं तो कॉलोनी पर जोरदार तरीके से इनका समर्थन होगा, जल नल योजना तो लाजमी है कि हर जगह पहुंचता है, लेकिन जब घर ही नहीं रहेगा तो जल और नल का क्या काम है, जैसा कि इनका कहना